हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको पता है क्यों किंग कोबरा दूसरे सांपों को मारकर पूरा निगल जाता है, या फिर इवन कभी कभार तो एक कोबरा ही दूसरे कोबरा को पूरी तरीके से खा लेता है? क्यों भाई, क्यों कोबरा दूसरे सांपों को इतना हेट करता है? या फिर कौन है वो इंसान जो फ्री में पानी बेच के मिलियनर बन गया? यस, यू हर्ड इट राइट बॉय, फ्री पानी बेच के मिलियनेयर। चलो ये तो आप आगे जान ही लोगे कि कौन था वो इंसान, पर इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि कौन है वो जानवर जो बिना कडल किए खाना नहीं खाता। अगर उसे कडल यानी कि प्यार नहीं किया जाए तो वो मर जाएगा लेकिन खाना नहीं खाएगा। और क्यों फ्रांस वाले इंकी पिंकी पोंकी पिंकी टॉयलेट पेपर यूज करते हैं? अब अगर जानना है ये सारे अजीबोगरीब फैक्ट्स का राज, देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस। लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज़ फैक्ट की बातें। नंबर वन, पेप्सी लेक। सुनो, पेप्सी ने सिर्फ स्पेलिंग में आई हटाने के लिए ऑफर किए $25 मिलियन यानी कि 184 करोड़ रुपीस। मतलब सिर्फ और सिर्फ आई हटाने से ऐसा क्या पहाड़ तोड़ जाएगा? दरअसल बात ही है ना भाई लोग कि 2003 में जब पेप्सी बनाने वाली पेप्सिको कंपनी ने यूरोप के एस्टोनिया को लेके अपने लेक पेप्सी को अपने स्पेलिंग में से थर्ड लेटर आई हटाने की डिमांड की, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए वो एस्टोनिया को इतने सारे पैसे भी ऑफर कर रहे थे। बट सोचने वाली बात तो ये है ना कि वो ऐसा डिमांड आखिर क्यों कर रहे थे? एस्टोनिया के लोगों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, नहीं भाई, आप अपनी कंपनी पानी से मिलियनेयर। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक आदमी ने सिर्फ और सिर्फ फ्री में पानी बेचते-बेचते $100 मिलियन का बिजनेस खड़ा कर दिया? कुछ भी, मतलब यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा? पानी से बने हैं ये माशे मिलियनेयर। सो बात है 1936 की, जब टेड ह्यूस्टीड साउथ डकोटा में स्थित वॉल ड्रग स्टोर में काम करता था, जहाँ ज्यादा बिजनेस ना आने की वजह से वो उदास और मायूस बैठा रहता था। अचानक से एक दिन उसकी वाइफ डोरोथी ने उसे एक ऐसा झक्कास आइडिया निकाल के दिया जिससे कि उसकी चांदी ही चांदी निकल पड़ी, जहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। और अब अगर वो इन रास्तों से गुजरने वाले हर टूरिस्ट को फ्री में ठंडा पानी ऑफर करते हैं तो उनकी प्यास भी बुझेगी और वो स्टोर में आकर कुछ खरीद भी लेंगे। और बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये आइडिया काम कर गया। और सरप्राइजिंगली बाय 1981 ये ड्रग स्टोर हर रोज 20,000 ठंडे पानी के कप्स बांटने लग गया, और पानी के कप्स बांटते-बांटते ये भाई की इतनी चांदी निकल पड़ी कि इसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उस टाइम पे उनका ड्रग स्टोर $100 मिलियन यानी कि 700 करोड़ के पार चला गया। और फिर इतना ज्यादा पैसा आने के बाद टेड ने ड्रग स्टोर का रेनोवेशन करके एक छोटे से ड्रग स्टोर को एक काउबॉय थीम्ड मॉल जैसा बना डाला, जिसमें एक आर्ट गैलरी और एक डिपार्टमेंट स्टोर भी है। ना कमाल। नंबर थ्री, सॉल्ट दुनिया को 100 साल नहीं बल्कि हजारों सालों तक नमक की कमी ना होने देगा। नंबर फोर, बॉब रॉस एस्टेट। अब हाँ लोग, क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे अगर मैं कहूंगा मरने के बाद भी एक बंदे का इनकम $20 मिलियन है, और ये बंदा पेंटर है? मतलब आप में भी सोचोगे कि यार किसकी पेंटिंग ही इतनी बिकती होगी कि वो कमा ले पाता रहेगा। बट फ्रेंड्स, यू आर एक्चुअली मैं रॉन्ग, लेट मी एक्सप्लेन। मिलिए बॉब रॉस से, जो लेट 20th सेंचुरी अमेरिका के बहुत ही फेमस पेंटर और साथ ही साथ टेलीविजन होस्ट हुआ करते। लेकिन 25 साल पहले 1995 में बॉब की किसी बीमारी के कारण दुखद मौत हो गई, पर मरने के बाद भी वो $20 मिलियन यानी कि 147 करोड़ कमाता है, क्योंकि बॉब द जॉय ऑफ पेंटिंग करके एक टीवी शो होस्ट हुआ करता था जो उस वक्त टेलीविजन पर आता था, और इसमें बॉब कम टाइम में पेंटिंग कैसे कर सकते हैं वो सिखाता था। पर आप बिलीव नहीं करोगे कि ये शो अब तक टीवी पर आता है, और तो और बॉब के काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पर भी मौजूद है जहाँ पर उनके 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है, और यहाँ तक अमेज़न और वॉलमार्ट पर उनके नाम और फोटोज की टी-शर्ट्स और कॉफी मग्स भी बेचे जाते हैं, जिससे ऑल कम्बाइंड हर साल में इतने पैसे बन जाते हैं। नंबर फाइव, पिंक टॉयलेट पेपर्स। पूरी दुनिया जहाँ पर यूज करती है व्हाइट टॉयलेट पेपर्स, वहीं पर फ्रांस वाले यूज करते हैं पिंक टॉयलेट पेपर्स। आखिर क्यों भाई, क्या वजह है व्हाइट से पिंक? वेल फ्रेंड्स, बात ये है ना कि फ्रांस में ऐसा इसीलिए करते हैं बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज में 40% ऑफ टॉयलेट पेपर को रिसाइकल किया जाता है, वेयर एज यूएस जैसे एडवांस कंट्री में सिर्फ 2% को ही किया जाता है, और जिससे वो पुराने जैसे दिखने के कारण कस्टमर्स नहीं खरीदते हैं। मतलब यार, क्या पकड़ा दिया, ये किसी का धोया हुआ है क्या? पोछा हुआ। और इसीलिए फ्रांस वालों ने अपना दिमाग थोड़ा सा तीड़म लगाया, उन्होंने वो फीके टॉयलेट पेपर्स को अलग अलग रंगों से डाई करना शुरू कर दिया, एंड कैन यू बिलीव इट, पिंक कलर के टॉयलेट पेपर्स ज्यादा बिकने लग गए। लेकिन एंड अटेंशन, अटेंशन, साइंटिस्ट का मानना है कि ये डाई किए हुए पिंक टॉयलेट पेपर आपके पिछवाड़े के स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक है, और उससे स्किन में इरिटेशन और रैशेस भी हो सकते हैं। पर फ्रांस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मजे से पिंक कलर के टॉयलेट पेपर का यूज कर करके अपने पिछवाड़े को खुजा रहे हैं, क्योंकि इस पिंक कलर के टॉयलेट पेपर से उनके बाथरूम का लुक सुधर जाता है। नंबर सिक्स, वेल्दीएस्ट एथलीट इन हिस्ट्री। अब हेलो,
क्या आपको बताया, सन 128 AD में दुनिया में एक सबसे अमीर एथलीट था जिसकी कमाई ना उस टाइम पे इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे एक साल के लिए उस वक्त के रोम के लोगों का पालन पोषण कर सकता था या 5 सालों तक रोमन सोल्जर्स को पगार दे सकता था। वेल, ये बात हमें बताई हमारे हिस्टोरियंस ने, जहां उनके अनुसार उसका नेटवर्थ कुछ $15 बिलियन था, यानी 1,00,000 करोड़ के करीब। वेल, ये स्टोरी है गायस एपुलियस डायोकल्स की, जो कुछ 1900 साल पहले रोम में उस जमाने का सबसे अमीर एथलीट माना जाता था। गायस का जन्म 104 AD पोर्चुगल में हुआ था। मोस्ट एक्सपेंसिव एथलीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है, पर हाँ, गायस हमेशा से ही अमीर नहीं था। वो एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुआ था और इसके कारण उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, जिसे पूरा करने के लिए वो रोम चला गया, जहाँ राजा महाराजाओं को एंटरटेन करने के लिए अलग अलग चैरियट रेसेस और फाइट्स होती थी, और ये सब गायस को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। और इसीलिए उसने भी 128 AD से अपना रेसिंग करियर शुरू कर दिया, जहां उसने अपने 24 साल के करियर में 4,257 रेसेस में से 1,462 रेसेस जीते हैं और उसमें फर्स्ट आया है, और यहां तक कि 1,438 रेसेस में वो सेकंड आया। और इसीलिए इस कारण उसे इतिहास में द चैंपियन ऑफ चैरिटियर्स, यानी रथों का चैंपियन भी कहा जाता है। नंबर 7, बेबी स्लॉथ्स। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये क्यूट दिखने वाले जानवर बेबी स्लॉथ्स बिना कडल और हक के खाना पसंद नहीं करते? नखरे देख रहे हो? अब अगर आपको स्लॉथ्स नहीं पता, तो स्लॉथ्स एक प्रकार के मैमल्स हैं जो काफी स्लो, सुस्त और आलसी होते हैं। लेकिन रिसर्चर्स के अनुसार स्लॉथ्स के बालों में एल्गी और फंगाई की बहुत सारी प्रजातियां उगती है, जो कैंसर, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स के खिलाफ लड़ने के भी काबिल होती है। जहां इंटरेस्टिंगली स्लॉथ्स की बॉडी में 950 जितने कीड़े मकोड़े एक साथ अपना घर बनाकर रहते हैं। अगर हम फीमेल स्लॉथ्स की बात करें, तो वो 11 महीनों तक प्रेग्नेंट रहकर बच्चों को जन्म देती है, और इसके बाद बच्चा अपनी माँ का पल्लू तक नहीं छोड़ता, मतलब 6 महीने तक अपनी माँ को चिपके हुए रहता है, क्योंकि ये पीरियड में बच्चा माँ को देख देख के जंगल में सर्वाइव करना सीखता है। और इसी दौरान ये बेबी स्लॉथ्स इतने एडोरेबल हो जाते हैं कि बिना अपनी माँ के कडल या हग किए ये खाना भी खाना पसंद नहीं करते। मतलब इन्हें कडलिंग और हग्स का इतना एडिक्शन होता है कि अगर उन्हें अपनी माँ की ममता ना मिले, तो दे विल इवन लिटरली स्टार्व टू डेथ। ओह, नंबर 8, अमेरिका और हैलोवीन। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, अमेरिका हैलोवीन पर लिटरली $8 बिलियन, यानी तकरीबन 5,910 करोड़ खर्च कर देता है। क्यों, आंकड़े हजम नहीं हो रहे? वेल, हैलोवीन अमेरिकन्स के लिए भूत प्रेत भगाने के लिए सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। पर जरा सोचो, वो लोग इतना सारा पैसा आखिर क्यों खर्च कर रहे हैं? सो मेन बात यह है ना भाई, लोग पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है, प्लस इसी दिन पर पब्लिक हॉलीडे भी होता है, सो ऑलमोस्ट सारे लोग अपने घर को भूतिया लुक देने में लग जाते हैं, और फिर डरावने कॉस्ट्यूम्स पहनकर लोगों को डराते हैं, और बच्चे ऐसे ही भूतिया कॉस्ट्यूम्स पहन के लोगों के घर कैंडीज मांगने जाते हैं। कुछ हो या ना हो, रिटेलर्स को इस फेस्टिवल पर काफी मुनाफा होता है। नंबर 9, व्हाई डस किंग कोबरा हेट अदर स्नेक्स। सांपों के लिए दहशत का दूसरा नाम है किंग कोबरा। थोड़ा चीकी लगा, लेकिन सुनने में अच्छा लगा, क्योंकि किंग कोबरा के लिए हर वो चीज उनके डाइट का हिस्सा है जो उसके सामने से जल्दी भाग नहीं सकती, फिर चाहे वो चूहा हो या कोई दूसरा सांप। इन सांपों की नरभक्षी की स्पीड 19 किलोमीटर/आवर है, जिसकी वजह से इसके सामने से किसी भी शिकार का बच के भागना बहुत ही मुश्किल है। और इनसे सिर्फ दूसरे सांप ही नहीं, मंगूस से लेकर हाथी तक डरते हैं, क्योंकि इसके एक जहरीले डंक में इतना जहर होता है कि वो आसानी से 20 लोगों की जान ले सके। तो एक छोटा सा सांप तो क्या ही है एक चीज, पर इसके अपने भाई बहन इसके स्पेशलाइज्ड डाइट का हिस्सा क्यों होते हैं? So, पहली बात तो यह है कि अनलाइक अदर एनिमल्स, इसे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके सामने वाला सांप कितना जहरीला है, क्योंकि ये दूसरे सांपों के जहर से इम्यून होता है। और साइंटिस्टों का दूसरा गैस ये है कि ये अपनी दहशत और टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए शायद अपने इलाके में आने वाले हर सांप को खा जाता है, स्पेशली अपने इलाके में पैदा हो रहे नन्हे सून टू बी किंग कोबराज को कई बार ये एक विकसित किंग कोबरा बनने से पहले ही खत्म कर देता है, यू नो, जस्ट टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन और फूड एंड मेट्स। इनफैक्ट इनका ये अपने ही प्रजाति को खाने का जो बिहेवियर है ना, ये कई बार इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये इनके खुद के ही कंट्रोल में नहीं होता, और इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि एक मादा किंग कोबरा उसके अंडों से बच्चे बाहर निकालते ही वहां से चली जाती है, बस इसीलिए ताकि उसके बच्चे निकलते ही खुद उसे ही कच्चा ना चबा डाले। वेल, क्या कर सकता है किंग कोबरा, आदत से मजबूर है, नेचर ने उसे ऐसे ही बनाया यार, और ना ही उसके पास हम ह्यूमंस की तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है कि वो ये सब लॉजिकली सोच सके। सो या, दे जस्ट एक्ट ऑन देयर इंस्टिंक्ट्स।
अब फ्रेंड्स, इतने सारे फैक्ट्स जानकर आई एम डैम श्योर आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हो, या एटलीस्ट इंटेलिजेंट बनने के सफर में ऑन द वे हो। सो अब जरा ये सिंपल सा रिडल सॉल्व करके बताओ। आज का रिडल है, मुझे बताओ ये कौन सा फेमस गाना है। इस गाने का जवाब जो भी है आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड एज यू नो, अगर जवाब सही है तो आपको मिलेगा मेरी तरफ से एक हार्ट। और अगर ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े नॉलेज ले लेकर एक दिन महाज्ञानी बन जाओ। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।